हेलो दोस्तों, दिस इज़ शुभम और आज 2017 की केस स्टडीज़ आज हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस लेक्चर बनाने का जो मेजर मकसद है 120 मार्क्स प्राप्त करना है। मेरा नाम है शुभम और मैं सिनॉप्सिस आईएएस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये जो लेक्चर है वो यूपीएससी आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए रेलिवेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं 2017 की केस स्टडी के साथ। तो 2017 की जो केस स्टडी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं डिस्क्रिप्टिव होती है, एक होती है सिचुएशन बेस्ड। आज वाली जो केस स्टडी है वो डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो सवाल ये कहता है कि आप एक ईमानदार और रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट हैं, आपको अक्सर ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो पहला सवाल है कि एक जनरल परसेप्शन ये है कि एडहरिंग टू एथिकल कंडक्ट वन में फेस डिफिकल्टीज टू वन सेल्फ एंड कॉज प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी फॉर द फैमिली, वेयर एज अनफेयर प्रैक्टिसेस में हेल्प टू रीच द करियर गोल, ठीक है। एक नॉर्मल परसेप्शन है कि ईमानदार के साथ हमेशा काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसे और उसके परिवार को। ठीक उसके अपोजिट अगर हम गलत तरीका अपनाते हैं तो अपना भी फ़ायदा होता है और परिवार का भी फ़ायदा होता है, आपके करियर में भी मदद मिलती है। फिर दूसरा है, जब बहुत सारे लोग अगर गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं, यानी कि पूरा सिस्टम ही जब करप्ट है, तो कुछ मुट्ठी भर लोग, ठीक है, जो ईमानदार हैं वो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पैदा कर सकते। यानी कि अगर पूरा सिस्टम ही करप्ट है तो क्या करेंगे, कुछ लोग नहीं कर सकते, कुछ ईमानदार लोग पूरे करप्ट सिस्टम के साथ जो है पंगा नहीं ले सकते। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता है, ठीक है, एक हिंदी में कहावत है। फिर चौथा है कि स्टिकिंग टू एथिकल मीन्स इज डेट्रीमेंटल टू द लार्जर डेवलपमेंटल गोल, कि अगर बहुत ईमानदारी से अगर हम कार्य करते हैं तो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। फिर चौथा है कि वाई, भले ही कोई आदमी, अगर आप एक सिविल सर्वेंट हैं तो आप बहुत बड़ा कोई करप्शन ना करें, लेकिन छोटा मोटा अगर आप गिफ्ट अगर लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते वो सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। तो ये चार चीज़ें अक्सर, और ये चारों चीज़ें हमें अक्सर सिविल सर्वेंट या पब्लिक लाइफ में सुनने को मिलती है, ठीक है। तो इसी के बारे में हमें देखना है, हमें इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है, उनके मेरिट और डिमेरिट देखने हैं। तो चार है यानी कि 5 into 4 equal to 20 मार्क्स का सवाल है। तो हर जो पॉइंट है वो 5 नंबर का है। इसका मतलब ये है कि एक जो आंसर होगा आप 2/3 पेज या मे बी मैक्स टू मैक्स 1 पन्ने में आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है, तभी जाके आप 4 पन्नों में, ठीक है, आप ये पूरा केस कर पाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि 2/3 पेज में करें, तभी जाके आप आसानी से 3 पन्ने के अंदर आप पूरा केस कर पाएंगे। और 3 पन्ना इज़ आई थिंक मोर देन सफिशिएंट फॉर इट। या आप अगर बड़ा शब्द लिखते हैं, बड़े बड़े और छोड़ छोड़ के लिखते हैं, तो आप 4 पन्ने भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कॉमेंट में था, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि मैं इसको थोड़ा सा लिख के बताऊं। अक्सर मैं बोलता हूं किस तरीके से लिखना है। तो पहला वाला क्वेश्चन मैं आपको इसका जो सोल्यूशन है वो लिख के दिखाता हूँ। देयर इज़ अ जनरल परसेप्शन दैट अडहरिंग टू एथिकल कंडक्ट वन में फेस डिफिकल्टी टू वन सेल्फ एंड कॉज प्रॉब्लम फॉर द फैमिली, वेयर इज अनफेयर प्रैक्टिस से खुद के करियर गोल को फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले ऑनेस्टी क्या होती है वो हम थोड़ा बहुत 1 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो 1 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑनेस्टी का मतलब है क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू एंड अधेरेंस टू स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, नैतिक सिद्धांतों को का पालन करना ईमानदारी है। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको कहते हैं, टेकिंग ओनरशिप ऑफ वंस एक्शन एंड बीइंग एंसरेबल टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक, टेकिंग ओनरशिप ऑफ वंस एक्शन एंड बीइंग एंसरेबल टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, गेटिंग इट। तो ये ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको सवाल को एक्सप्लेन करना है कि जैसा सवाल ये कह रहा है कि एथिकल स्टैंडर्ड, एथिकल रहने से, ठीक है, आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर दिक्कतें आ सकती हैं। तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, आपके ऊपर क्या क्या दिक्कतें आएंगी? तो आपको विक्टिमाइज़ किया जा सकता है, आपको परेशान किया जा सकता है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी कि आपको डराया धमकाया जा सकता है। हो सकता है कि आप इस चक्कर में डिप्रेस हो जाएं और सुसाइड कर लें। आपको समय समय पर फ्रीक्वेंट आपके ट्रांसफ़र आपको झेलने पड़ सकते हैं, या आपको मार्जिनलाइज कर दिया जाएगा, आपको कोई ऐसा विभाग में आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जो बहुत ही जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वेरी इनसिग्निफिकेंट पोस्ट। यू मे गेट ट्रांसफ़र टू अ वेरी इनसिग्निफिकेंट पोस्ट। जैसे आप एसपी हैं तो एसपी को सज़ा में क्या मिलता है, एसपी को सज़ा में उसको सिविल लाइन भेज देंगे। अब जहाँ पहले आपका पूरे ज़िले में रौला था, अब आप सिविल लाइन में जाके सुबह शाम को जवानों को पीटी कराएंगे, ठीक है, आपका यही काम होगा। तो एक तरीके इनसिग्निफिकेंट पोस्ट है, उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट तो नहीं कहेंगे, उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ये दिक्कतें हो सकती हैं। फिर फैमिली को क्या दिक्कतें होंगी ये भी लिखना है। देखो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि अब समझ में नहीं आ गया इसके मेरिट डिमेरिट क्या लिखने हैं, तो क्वेश्चन को ब्रेक करना ज़रूरी है। फैमिली को क्या दिक्कत आएगी, तो फैमिली को दिक्कत आएगी, फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र होगा तो फैमिली बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे सही से, फिर बच्चों की पढ़ाई नुकसान होगी, फिर जो सिविल सर्वेंट्स के जो परिवार होता है, जो उनकी बाकी की जो कलीग्स होते हैं उनके साथ भी आपका उठना बैठना बंद हो जाएगा, तो ये फैमिली को दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अशोक खेमका का मैं जब इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार के बच्चों के साथ बाकी सिविल IAS के बच्चे बैठना और उठना पसंद नहीं करते थे, उनको लगता था कि हम इनके साथ उठेंगे बैठेंगे तो हमारी नौकरी पर भी खतरा आ सकता है, हमें भी परेशान किया जा सकता है। तो ये खुद के ऊपर और परिवार के ऊपर दिक्कतें आती हैं। फिर ऐसा माना जाता है कि अनफेयर रहने से फ़ायदा भी होता है। तो अनफेयर रहने से क्या क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले तो आप अपने सीनियर और पॉलिटिशियंस की गुड बुक में आ जाएंगे, आपको राजनीतिक संरक्षण मिलेगा, पॉलिटिकल पैट्रोनेज, और उसके अलावा स्टेबिलिटी और करियर प्रोग्रेस में भी आपको मदद मिलेगी, ठीक है। आप अगर अनफेयर रहेंगे, चमचागिरी करेंगे, चाटुकारिता करेंगे, तलवे चाटेंगे अपने सीनियर्स के, पॉलिटिशियंस के, उनके अच्छे बुरे सारे फैसलों में जी हुजूरी करेंगे, तो आपको करियर में भी प्रोग्रेस मिलेगी, ठीक है। फिर कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कुछ सिविल सर्वेंट्स, करप्ट सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल, जैसे नीला यादव, प्रदीप शुक्ला, ऐसे जो एकदम चोर टाइप के सिविल सर्वेंट्स हैं उनका आप बेधड़क नाम भी लिख सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे होने चाहिए जिनको जेल वेल हो चुकी है, जो मतलब एकदम ही हिस्ट्री शीटर टाइप के जो चोर IAS ऑफिसर या सिविल सर्वेंट्स हैं बाकी, उनका आप नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। S.P.S. राठौड़ का नाम लिख सकते हैं जो रुचिका मर्डर केस में जिनका नाम था। तो खैर ये सारी लिख दी, अब इसके डिमेरिट्स लिखने हैं हमें, ठीक है। तो डिमेरिट क्या होंगे, अनफेयर रहने के या इस तरीके गलत आचरण के डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं। तो पहला डिमेरिट ये है कि अनफेयरनेस करने से और नेतागिरी और नेतों के तलवे चाटने से, अगर माने जब तक सरकार है तब तक तो ठीक है, लेकिन सरकार बदली तो आपको परेशान किया जा सकता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो सकता है आपका, ठीक है। और बेईमानी से आपको इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सिविल सर्वेंट हैं जो बेईमानी करते हैं, लेकिन बाद में जब उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसता है तो फिर उनको जेल की हवा भी खानी पड़ती है, इस तरीके का लिखेंगे। फिर क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, जब आप चोर होते हैं तो आपके अंदर की जो अंतरात्मा है आपको धिक्कारती है, ठीक है। फिर आप परिवार के सामने, अपने बच्चों के सामने एक गलत जो है एग्जाम्पल सेट करते हैं, और आपका आप चोर हैं तो आपका बच्चा भी बड़ा होकर चोर ही बनेगा, क्योंकि उसने अपने परिवार में सीखी इसी तरीके के लिए, ठीक है। तो बेसिकली चोर बेईमानी करने के क्या क्या नुकसान है, एक सिविल सर्वेंट के बेईमानी करने के क्या क्या नुकसान है वो हम देखेंगे। अभी हमने देखा फ़ायदे क्या क्या हैं, ठीक है, फ़ायदे क्या क्या हैं वो तो हमने देख लिए, अब बेईमानी करने के नुकसान क्या हैं वो हम लिखेंगे, ठीक है। फिर जनता का विश्वास भी आपके ऊपर नहीं रहेगा, फिर जनता आपकी बात भी नहीं मानेगी, क्योंकि अगर आप चोर हैं तो आपका जो जूनियर है वो भी आपको इज्जत नहीं देगा, जनता भी इज्जत नहीं देगी। तो ये प्रॉब्लम्स डिमेरिट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कंक्लूजन में लिखेंगे कि हाँ, इसलिए कह सकते हैं कि भले ही ईमानदारी का जो रास्ता है वो कांटों भरा है, इज़ लेड विथ थॉर्न, ठीक है, इज़ लेड विथ थॉर्न, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका रिवॉर्ड मिलता है। फिर थोड़ा बहुत एक वो भी लिख सकते हैं, कोट भी लिख सकते हैं कि ट्रूथ माइट गेट ह्यूमिलिएटेड बट इट कैन नॉट बी डिफीटेड, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, इस तरीके का थोड़ा बहुत एक कोट भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर दूसरा आप डिस्कस करते हैं। तो दूसरे में है कि जब पूरा सिस्टम ही अगर करप्ट है तो कुछ मुट्ठी भर लोग जो है उस सिस्टम में ईमानदार रह के कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उस सिस्टम को बदल नहीं सकते। कहने का मतलब है कि कुछ मुट्ठी भर ईमानदार लोग पूरे करप्ट सिस्टम को नहीं बदल सकते। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे ये हम देख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे कि अक्सर हम ऐसे माइनॉरिटी ईमानदार लोगों की जो काबिलियत है, जो उनकी इफ़ेक्टिवनेस है, उस पर हम अक्सर सवाल उठाते हैं। वायबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ माइनॉरिटी पीपल हु अधेयर टू एथिकल प्रिंसिपल्स व्हेन मेजॉरिटी इज करप्ट इज ऑफन क्वेश्चन। क्या एक सिंगल आदमी कैन मेक अ डिफरेंस अंडर सर्कमस्टेंसेज ऑफ सिस्टमिक करप्शन। ठीक है, सिस्टमिक करप्शन शब्द यूज़ करेंगे। इसलिए एरिना ऑफ फाइट अगेंस्ट करप्शन इज़ मार्ड विथ पेसिमिज्म। ठीक है, बहुत ही एक नकारात्मक भाव है कि जैसे हम कहते हैं ना कि अरे सिस्टम है, सिस्टम बदल नहीं सकता, जिसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक व्यू। ठीक है, नकारात्मक व्यू जिसको कहते हैं। और इसीलिए अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सिस्टम के खिलाफ लड़ नहीं सकते, सिस्टम को आप नहीं बदल सकते, बल्कि आपको सिस्टम बदल देगा, और अगर आपको सिस्टम में रहना है तो आप सिस्टम के साथ एडजस्ट हो जाइए। ऐसा होता है, आप भी जब नए नए अगर सेलेक्ट होके जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। लेकिन फिर अब लिखेंगे कि हालांकि इतिहास ऐसे बहुत सारे उदाहरणों से पटा हुआ है जहाँ पर एक इंसान ने, ठीक है, पूरे इतिहास की धारा को चेंज कर दिया और पूरे सिस्टम को अकेले दम पर बदल दिया। फिर कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। तो एग्जाम्पल है महात्मा गांधी का लिख सकते हैं, मार्टिन लूथर किंग का लिख सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर का लिख सकते हैं, अब्राहम लिंकन का लिख सकते हैं, जिन्होंने सोशल रिफॉर्म के लिए कार्य किया। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण ये लिख सकते हैं। फिर उसके अलावा कुछ सिविल सर्वेंट्स, अच्छे सिविल सर्वेंट्स का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। तो गांधी जी ये सब तो आपने लिख लिया। अच्छे सिविल सर्वेंट्स, उसमें जूलियो रिबेरो का नाम, टी.एन. सेशन। जूलियो रिबेरो कौन था, इनके बारे में आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। अभी केस स्टडी में डिस्कस करूंगा तो डिस्कशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। टी.एन. सेशन हमारे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। प्रकाश सिंह वॉज DGP ऑफ बिहार, जिन्होंने पुलिस रिफॉर्म के लिए काम किया। सत्येंद्र दुबे वॉज अ विसल ब्लोअर और नेशनल हाईवे अथॉरिटी में इंजीनियर थे, और उन्होंने विसल ब्लोइंग करने की वजह से उनको मार दिया गया। मंजुनाथन पेट्रोल पंप के चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने पेट्रोल पंप में होने वाली जो मिलावट है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, इस वजह से उनको भी मार दिया गया। ऐसे बहुत से सिविल सर्वेंट हैं जिनकी वजह से सिस्टम में बदलाव आया। ठीक है, उन्होंने सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सिस्टम में बदलाव आया। जूलियो रिबेरो की वजह से कम्युनिटी पुलिसिंग आई, टी.एन. सेशन की वजह से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए, प्रकाश सिंह की वजह से पुलिस रिफॉर्म हुए, सत्येंद्र दुबे की वजह से और मंजुनाथन की वजह से विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया। तो कुछ लोग मिलकर भी सिस्टम को बदलने में मदद कर सकते हैं। सब चोर है तो आप भी चोर हो जाए, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई ये जायज वजह नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे कि ऐसे बहुत से रिफॉर्म इन लोगों ने खुद से अपनी मेहनत से किए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अरुणा रॉय का भी नाम लिख सकते हैं, जिनकी वजह से अरुणा रॉय की वजह से RTI आया। RTI कैसे आया? अरुणा रॉय और मुकुल डे इन लोगों ने मिलके एक संस्था बनाई थी, मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन ने RTI के लिए लड़ाई लड़ी और उसकी वजह से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमें 2005 में मिला। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे से पता होने चाहिए। और ईमानदार, देखिए लिस्ट बनाइए, एक डायरी बनाइए जिसमें जितने भी अच्छे सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, क्या काम किया है उसके बारे में थोड़ा बहुत होना चाहिए, उनका नाम पता होना चाहिए। इस तरीके से याद रखिए ताकि अलग अलग जगहों पे एथिक्स के पेपर में आप उनको कोट कर सकें। फिर तीसरा पार्ट है कि स्टिकिंग टू एथिकल मीन्स इज डेट्रीमेंटल टू लार्जर डेवलपमेंटल गोल्स। कि बहुत ईमानदारी से और ईमानदारी से काम करने पे जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। कैसे होता है? ईमानदारी से कैसे होगा? अब जैसे मान लीजिए ईमानदारी का मतलब है, ईमानदारी से काम करने में मान लीजिए कि एक सड़क है, ठीक है, मान लीजिए कि कुछ आप सिविल सर्वेंट हैं, ठीक है, और एक गांव है जहां पर बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं और एक हमें रोड बनानी है जो उस गांव से होकर पास होगी, ठीक है। एक हाईवे प्रोजेक्ट बनाना है जो उस गांव से होकर पास होगी और अगर ये सड़क बनेगी तो इन लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा और इस रोड के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, इस जितने भी गांव के लोग हैं उनकी ग्राम सभा से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और इनकी अगर परमिशन होगी, इनका कंसेंट होगा, तभी आप इनकी ज़मीनें एक्वायर कर सकते हैं। तो एथिकल तरीका ये है कि आप ये भी करें, ये सारे रूल्स, प्रोसेस और जो जनता है उनके हित को भी ध्यान में रखते हुए आप फैसले लें। तो इससे कई बार क्या होता है ना कि ये जो रोड बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, जो स्पीड है, वो स्लो हो जाती है। ये असेसमेंट मान लो भी नहीं हुआ है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करने में समय लगेगा, उसमें भी ग्राम सभा का हो सकता है आपको परमिशन ना मिले, ठीक है। फिर कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पे जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। वहीं पर अगर हम देखें कि हम ब्राइबिंग कर लें, लॉबिंग कर लें, फिर उसमें ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की झूठी रिपोर्ट बना दें, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की झूठी रिपोर्ट बना दें, ग्राम सभा में जितने भी लोग हैं उनको पैसा खिला के उनका कंसेंट ले लें, तो इस तरीके से हम रोड बनाने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको तेज कर सकते हैं, ठीक है। रोड बनाने की जो प्रक्रिया है वो तेज कर सकते हैं, लेकिन ये अनएथिकल तरीका है। अनएथिकल तरीके से डेवलपमेंटल गोल्स को तेज किया जा सकता है, ऐसा लोग कहते हैं। और एथिकल गोल्स फॉलो करने पे डेवलपमेंटल जो स्पीड है, जो प्रोजेक्ट की स्पीड है हाईवे की, वो स्लो हो जाती है। इसी वजह से कहा गया है कि ब्राइब एक्ट एज अ ग्रीस टू द व्हील ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ब्राइब एक तरीके से ल्यूब्रिकेंट का काम करती है जो एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाती है, ठीक है। एक एग्जांपल बताऊंगा, मेरा एक दोस्त है, ही इज़ एन ऑडिटर, तो बताता है कि पूरे ऑफिस में एक बड़ा सा हॉल है जिसमें बहुत सारे टेबल लगे हुए हैं, जिसमें बहुत सारे ऑफिस जितने भी सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स, वो बैठते हैं, ठीक है। और अगर आप देख लीजिए कि जिस टेबल पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, मान लीजिए कि उस टेबल पे सबसे ज़्यादा पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, क्योंकि यहाँ पर पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो यहाँ पर बैठने वाला जो क्लर्क है वो काफ़ी एफिशिएंट तरीके से काम करता है। बाकी टेबल पे सब लोग ऐसे ही टाइम पास करते रहेंगे, कोई कुछ करता रहेगा, कोई सिस्टम को गाली देता रहेगा, कोई कब आएगा तो चाय पीने चला जाएगा, बाकी सब लोग ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं। लेकिन जिस टेबल पे सबसे ज़्यादा ब्राइब मिलने का होता है, उस टेबल पे सबसे ज़्यादा काम होता है। तो एक तरीके से ब्राइब यहाँ पर सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट बना रही, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने अभी तक ये देखा कि ब्राइब या अनएथिकल तरीके से डेवलपमेंट की जो स्पीड है उसको तेज किया जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा हम एग्ज़ाम में तो नहीं लिख सकते? तो एग्ज़ाम में तो हमें यही कहना है कि अनएथिकल तरीके से किया गया काम जो है वो ख़राब है, वो डेवलपमेंट को स्लो करता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अनएथिकल मीन्स एडॉप्टेड टू अचीव डेवलपमेंट में फ्रस्ट्रेट द प्रोसेस इन लॉन्ग टर्म। कैसे? कि हो सकता है कि ब्राइब देने की जो आदत है, जो चीज़ है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए, ठीक है। यहाँ पर तो आपने ब्राइब देकर अपना काम कर लिया, लेकिन हो सकता है कि अब वो ब्राइब लेने की उस क्लर्क की, उस बाबू की आदत पड़ जाए। अगर आप उसको पैसा नहीं देंगे तो आपका काम नहीं करेगा, समझ आ रही बात? तो आप पैसे नहीं देंगे तो आप उसका काम नहीं करेगा, आपकी फाइल पड़ी रह जाएगी, लेकिन जब तक तो उसको पैसा नहीं मिलेगा वो आपका काम नहीं करेगा। तो एक तरीके से ये सिस्टम को और स्लो कर रहा है। रेंट सीकिंग बिहेवियर जो होता है ना, पैसा मांग कर ही काम करेंगे, पैसा दोगे तभी काम होगा, तो ये रेंट सीकिंग बिहेवियर को बढ़ावा देता है, जो गलत है। फिर आप देखेंगे, एक और लिख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एक साथ जुड़ा हुआ है। एक और आर्ग्यूमेंट मैं बता देता हूँ, जिस देश में जितना ज़्यादा करप्शन, उस देश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी उतना ख़राब होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन देता है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, यूएनडीपी। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन देता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एक यूएनडीपी तो यूएन की बॉडी है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एनजीओ है। जो अलग अलग रेटिंग देती है अलग अलग देशों को कि किस देश में ज़्यादा करप्शन है। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जिस देश में ज़्यादा करप्शन है वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट भी कम है। ठीक है, जैसे अगर करप्शन बढ़ता है तो डेवलपमेंट, करप्शन बढ़ेगा तो डेवलपमेंट कम होता है। ठीक है, फिर ओवरलुकिंग सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स है, एथिकल मीन्स है, वो शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है कि उस रोड को बना दे, समझा नहीं बात, जो वो ट्राइबल के पास आप रोड बनाने के लिए निकले थे, शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है कि आपको रोड बनाने की मिल जाए प्रक्रिया और आप रोड बना दें, लेकिन इस रोड के बनने की वजह से बाद में हो सकता है कि नेचुरल डिज़ास्टर बढ़े। ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर बढ़े, क्लाइमेट चेंज हो, और क्लाइमेट चेंज होगा, नेचुरल डिज़ास्टर होगा, तो मान लीजिए लैंडस्लाइड हो गई, आपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया ही नहीं, आपने सड़क बना दी और सड़क बनने की वजह से लैंडस्लाइड हो गई, सड़क धंस गई, ख़त्म हो गई, तो सड़क तो बन गई लेकिन सड़क धंस गई, ख़त्म हो गई, सड़क बर्बाद हो गई। तो लॉन्ग टर्म में अनएथिकल जो हम प्रैक्टिस अपनाते हैं उसका नुकसान ही होता है, समझ आ रही बात। चलिए आगे देखते हैं। इसी वजह से गांधी जी ने ये सलाह दी थी कि कोई भी सही तरीका, सही मकसद प्राप्त करने के लिए सही तरीका अपनाना चाहिए। सही मकसद प्राप्त करने के लिए अगर हम गलत तरीका अपनाएंगे तो कभी भी वो फलीभूत नहीं होगा। उसका हमेशा गलत कार्य, गलत तरीका हमेशा गलत ही रिजल्ट देगा। इसलिए अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सतत विकास करना है, तो उसके लिए हमें एथिकल तरीका ही अपनाना चाहिए उस सतत विकास की प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपने आर्गुमेंट को रख सकते हैं। फिर एक लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि भले ही एक सिविल सर्वेंट होने के नाते आप भले ही बड़ा करप्शन ना करें, लेकिन छोटा मोटा अगर कुछ गिफ्ट ले लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और इससे आपको मोटिवेशन भी बना रहता है। छोटा मोटा गिफ्ट मतलब कि दिवाली पे, होली दिवाली पे कोई आके मिठाई का डब्बा दे जाए, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए, आपके बच्चे के लिए, बीवी के लिए साड़ियाँ, बच्चों के लिए खिलौने, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, आपको समय समय पर ये सारी चीज़ें मिलती रहें, तो इससे सिस्टम एफिशिएंट बनता है। ठीक है, तो इसको हमें लिखना है कि किस तरीके से लिखेंगे। तो एक नजराना, सुविधा शुल्क, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आजकल होता है। नजराना मतलब जो मान लीजिए कि अपना काम कराने के लिए, एक सिविल सर्वेंट से अपना काम कराने के लिए जो पेशकश दी जाती है उसको बोलते हैं नजराना। सुविधा शुल्क, आप यूपी में सुविधा शुल्क नाम का एक शब्द है। ठीक है, अगर आपको सरकारी काम कराना है तो आप कुछ पैसा देते हैं, ब्राइबरी देते हैं, और सोचिए उसको किस तरीके से कल्चरली कितना अच्छा नाम दिया गया है, सुविधा शुल्क। जो ब्राइब आप देते हैं उसको सुविधा शुल्क नाम का एक संस्कृताइज्ड वर्ड दे दिया गया। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि छोटा मोटा गिफ्ट देने से सिस्टम एफिशिएंट बनती है, और ये तो चलता है। ठीक है, और इस तरीके से मोटिवेशन भी सिविल सर्वेंट का रहता है, और मोटिवेशन होने की वजह से वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करता है। ठीक है, लेकिन करप्शन तो करप्शन है। ठीक है, करप्शन करप्शन है, और उसका नेगेटिव रेपरकशन होता है, भले ही जो ब्राइब दी गई हो वो चाहे तो बहुत बड़ी हो या बहुत ही स्मॉल हो, छोटा हो पैसा, जो रिश्वत है छोटी हो, करोड़ों की हो, चाहे 10 रुपए की क्यों ना हो, रिश्वत तो रिश्वत है। क्योंकि छोटे गिफ्ट जो है रेंट सीकिंग बिहेवियर को बढ़ावा देते हैं। फिर जो सत्यनिष्ठा है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और यूनिवर्सलिटी, जो सिविल सर्विसेज के प्रमुख स्तंभ हैं, जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, फिर आप देखें तो कोड ऑफ कंडक्ट में भी, जो सिविल सर्विस सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है आगे थ्योरी में आप देख लीजिएगा, तो उसमें भी छोटे मोटे गिफ्ट को जो है गलत माना गया है, उसको पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली तरीके से प्रोहिबिटेड है। फिर स्पिरिट ऑफ सर्विस, कंपैशन और पेट्रियटिज्म शुड मेक पब्लिक सर्विसेज एफिशिएंट, नॉट दीज पेटी गिफ्ट्स। तो अगर एक सिविल सर्वेंट को छोटे मोटे गिफ्ट के लालच में कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सेवा भाव से, करुणा से और देशभक्ति की भावना से जब एक सिविल सर्वेंट काम करता है तब जाकर वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करता है, ना कि छोटे मोटे चिंदी गिफ्ट के एक्सपेक्टेशन में वो एफिशिएंट तरीके से काम करता है. गेटिंग इट? तो इस तरीके से आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे. तो थोड़ा सा लंबा डिस्कशन था लेकिन 4 पार्ट थे इस तरीके का. हाँ, इस तरीके के केस अगर फ्यूचर में आते हैं तो इस तरीके के केस को सॉल्व करने का देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. अक्सर इस तरीके का केस जो है फंसाने के लिए फ्रेम किया जाता है. 4 केसेस हैं, अब 4 में आप 2-2 पॉइंट लिखो. अगर 2-2 पन्ने लिख दोगे तो 8 पन्ने हो गए. पता चला कि आधा घंटा एक केस स्टडी में जहाँ पे आपको 15 मिनट देना था आपने दे दिया 30 मिनट. ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ लिखने को है. अब 30 मिनट दे दिया, इसका मतलब है कि आपका एक न एक केस तो छूटेगा ही छूटेगा. तो ये कैच है, हमेशा ध्यान में रखेंगे. अगर फ्यूचर में इस तरीके के 3-4 पार्ट के इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट राइट टू मच. थोड़ा बहुत उसको एग्जाम्पल दो, कुछ चीज़ों को करो और आगे बढ़ो. ठीक है, फंसो नहीं, फंस मत जाओ उसको करने में. तो खैर आज के डिस्कशन में इतना ही. ये रहा synopsisIAS.in की वेबसाइट पर जाकर आप GS पेपर 4 का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. इसमें आपको सारे लेक्चर्स, ठीक है, सारे लेक्चर्स के वीडियोस और प्लस PDF, ठीक है, आपको पूरी तरीके से फ्री मिलेगा. आप यहाँ से इसको वीडियो PDF ले सकते हैं. उसके नोट्स भी आप चाहे तो उस हिसाब से बना सकते हैं. पूरा पेपर आपका इस इतने में ही सिमट जाएगा, निपट जाएगा. उसके अलावा सिनॉप्सिस आईएएस का YouTube चैनल भी है, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दिस बेल आइकन. अगर आप YouTube पे ये लेक्चर देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक करना मत भूलिए. एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. I will definitely try to answer your questions. So this was all for today. Have a nice day. All the best.